अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अनवारे शरीयत की हमारा पार्ट नंबर 69 है। फातिहा का आसान तरीक़ा का ये बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले 3 या 5 या 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर कम से कम चारों कुल यानी अल काफिरून कुल अल्लाहु अहद कुल अऊज़ बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ बिरब्बिन नास चारों कुल सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम से मुफ्लिहून तक पढ़ें, फिर आखिर में 3 या 5 या 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और बारगाह इलाही में हाथ उठाकर यूं दुआ करें, या अल्लाह हमने जो कुछ दुरूद शरीफ है और कुरान मजीद की आयतें तिलावत की हैं इनका सवाब अगर खाना या शिरनी हो तो इतना और कहें, इस खाना और इस शिरनी का सवाब मेरी जानिब से हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नज़र पहुंचा दे, फिर उनके वसीले से जुमला अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम व सहाबा और तमाम औलिया व उलमा को अता फरमा, फिर अगर किसी ख़ास बुज़ुर्ग को एसाले सवाब करना हो तो उनको खसूसियत से नाम ले, खसूसियत से नाम ले। मसलन यूँ कहें, खसूसन हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु या ख्वाजा अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु को नज़र पहुँचा दे, और फिर जुमला मुमिनीन वल मुमिनात की अरवाह को सवाब अता फरमा। और किसी आम आदमी को एसाले सवाब करना हो तो उसका ज़िक्र खसूसियत से करें, मसलन यूँ कहें, हुसन हमारे वालिद वालिदा या दादा दादी या नाना नानी की रूह को सवाब पहुंचा दे, और फिर जुमला मुमिनीन वल मुमिनात की अरवाह को सवाब पहुंचा दे, आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अगर आपको फातिहा करना है तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ ले 3 या 4 या 5 या 7 बार, उसके बाद से कुलिया अय्युल काफिरून पढ़ेंगे जो कि 300 पारा में है, फिर कुल हुवल्लाहु अहद कुल अऊज़ बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ बिरब्बिन नास ये पढ़ लीजिए, उसके बाद से पूरा अलहम्दु पढ़ लीजिए, उसके बाद से फिर अलिफ लाम मीम पढ़ लीजिए मुफ्लिहून तक, और उसके बाद से ना एक और उसके बाद से ना आयते खमसा है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबियीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन आलिमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا شفيعنا طبيب قلوبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين। अब कह कर इसके बाद दुआ करें, जैसे लेकिन इसमें क्या किए हैं कि बोल दिया कि 3 मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए, 4, 5, 7 मरतबा पढ़ लीजिए, उसके बाद से कुल याय काफिरून कुल अल्लाहु अहद कुल अऊज़ बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ बिरब्बिन नास, फिर अलहमदु पढ़ने के लिए बोल दिए हैं, उसके बाद अलिफ लाम मीम मुफ्लिहून तक पढ़ दीजिए, उसके बाद से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, तो ये भी है ठीक है। और जो मैं बताया हूँ कि जैसे मुफ्लिहून तक पढ़ने के बाद आयत खमसा पढ़ दीजिए जो मैं आपको पढ़कर सुनाया हूँ। वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।